भारतीय इतिहास में शिवाजी को एक अच्छे संगठनकर्ता, साम्राज्य निर्माता के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी देखा जाता है, जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने शिवाजी की प्रशासन की तुलना उनके पूर्ववर्ती शासक शेरशाह और अकबर के साथ भी करने का प्रयास किया है, लेकिन शिवाजी के प्रशासन का आदर्श एक हिंदू राजशाही की स्थापना करना रहा था और बहुत हद तक उन्होंने प्राचीन भारत में प्रचलित व्यवस्था को भी एडॉप्ट करने का प्रयास किया। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि उनका प्रशासन पूर्णतया हिंदू शासन प्रणाली पर आधारित नहीं था, बल्कि शिवाजी के प्रशासन में दक्षिण की जो रियासतें थीं उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है और तत्कालीन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का भी प्रभाव हमें शिवाजी के प्रशासन में देखने को मिलता है। लेकिन उनके तरीके या उनके जैसा धार्मिक कट्टरता या निरंकुशता शिवाजी के प्रशासन में नहीं थी, बल्कि शिवाजी ने जन कल्याण के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता को अपने समय के प्रशासन का आधार बनाने का प्रयास किया। आइए हम लोग बात करते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के समय में उनका केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह का था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में हम ऐसा पाते हैं कि राजा की स्थिति यानी शिवाजी की स्थिति एक प्रधान की थी या सर्वशक्तिशाली की स्थिति उनकी रही। उनका पद वंशानुगत कहा गया और राजा इस प्रकार स्वेच्छाचारी था कि उसके कार्य में प्रजा किसी भी तरह का दखल नहीं रखती थी, लेकिन व्यवहारिकता इससे भिन्न थी। शिवाजी अपनी प्रजा को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, एक नजर से देखा करते थे। यहाँ तक कि अपनी सेना में या महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में भी उन्होंने मुसलमानों की नियुक्ति की। शिवाजी अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने में और अनुशासन को बनाए रखने का कार्य राजा के हाथों में निहित था। राजा की मदद के लिए शिवाजी ने अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था। यह मंत्रिमंडल समय समय पर शिवाजी को परामर्श देने का कार्य करती थी, लेकिन शिवाजी इसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अलग अलग स्वतंत्र विभाग थे। इन विभागों पर नियुक्ति का अधिकार शिवाजी के हाथों में सुरक्षित था और इस अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में पेशवा की स्थिति सर्व प्रमुख मानी जाती थी। जिस तरह की स्थिति एक प्रधानमंत्री की होती है, वह स्थिति पेशवा की होती थी। वह अन्य मंत्रियों के कार्यों का जहां एक ओर निरीक्षण करता था, वहीं राजकीय आदेशों में राजा के सील के साथ, मुहर के साथ पेशवा के भी हस्ताक्षर हुआ करते थे। इस तरह पेशवा की स्थिति जहां एक ओर प्रधान की थी, वहीं इस अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल में सेनापति हुआ करता था जिसके अधीन पूरी सेना होती थी। इसे सरीय नौबत भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अमात्य अथवा मजमूदार भी हुआ करते थे जो वित्त मंत्री के सरीखे आय व्यय का हिसाब रखने का कार्य करते थे। मंत्री या वाक्यानवीस राजा की सुरक्षा और व्यक्तिगत कार्यों की देखभाल किया करते थे, जबकि सचिव, सुरनवीस, चिटनिस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य किया करते थे। तुमंत या दबीर विदेश मंत्री की भांति कार्य किया करते थे। इसके अलावा न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान माना जाता था। पंडित राव को दान विभाग का प्रधान माना जाता था और जो प्रांतीय प्रशासक थे
वे सर कारकुन के नाम से जाने जाते थे। इस अष्ट प्रधानमंत्री मंडल की मदद के लिए बहुत सारे पदनाम की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें दीवान, मजमूदार, फडणवीस, सौनीस, चिटनीस, जमादार, पोतनीस ऐसे नाम हमें प्राप्त होते हैं। और इस अष्ट प्रधानमंत्री मंडल के मदद से शिवाजी शासन का संचालन करते थे। शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना सैन्य मदद से की थी, इसलिए इनका सैन्य संगठन भी बड़ा बेजोड़ माना जाता है, जिसमें नियमित सैनिक को पागा कहा जाता था और व्यक्तिगत सेना को बरगीर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि शिवाजी के पास तकरीबन 45,000 घुड़सवार थे और इसे उन्होंने 5,000, 1,000, जुमलादार, हवलदार, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पागा यानी नियमित सेना होती थी, जिसका वेतन और उसको युद्ध की सामग्री, साजो सामान शिवाजी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, जबकि सिलहदार यह एक अस्थाई सेना होती थी। इनको सारा प्रबंध आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार स्वयं करना होता। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। इसके अलावा शिवाजी की सेना में ऊंट भी थे, हाथी भी थे, तोपखाना भी था और उन्होंने जलबेड़े का भी निर्माण किया था। सेना के लिए या प्रशासन के लिए गुप्तचरों की भूमिका भी बड़ी अहम मानी जाती है। शिवाजी के समय में गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी, जो समय समय पर सूचना राजा तक, सेना तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और जो विभिन्न दुर्ग शिवाजी ने विजित किए थे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हवलदारों को सौंपी। किसी भी शासन या प्रशासन के लिए आय का सोर्स बहुत ज्यादा मायने रखता है और तत्कालीन समय का जो रेवेन्यू सिस्टम शिवाजी ने डेवलप किया, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दो तरीके का राजस्व वसूल किया। जो क्षेत्र उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वहां से उन्होंने चौथ वसूला, चौथ यानी 1/4। और जो क्षेत्र शिवाजी के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, वहां से उन्होंने सरदेशमुखी यानी 1/10 अर्थात 10% टैक्स के वसूली की। तथा उन्होंने अपने समय में मलिक अंबर के द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था को एडॉप्ट करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम उन्होंने अन्नाजी दत्तों के द्वारा पूरे अपने अधीन आने वाले क्षेत्र का जहां एक ओर सर्वेक्षण कराया और इस सर्वेक्षण के पश्चात जमीन की तीन कैटेगरी उन्होंने निर्धारित की, पट्टी भूमि, उद्यान भूमि और पहाड़ी भूमि। ये जमीन की अलग अलग कैटेगरी थी। पट्टी भूमि में 2/5 टैक्स वसूली की गई, उद्यान भूमि में 1/2 टैक्स वसूली की गई और पहाड़ी भूमि जहां पर उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था, वहां से नाम मात्र का टैक्स उन्होंने वसूला। और इस लगान वसूली की व्यवस्था, जिस प्रकार हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानते हैं, यानी रैयत यानी किसानों से लगान वसूली, इस तरह की व्यवस्था को शिवाजी के समय में डेवलप करने का कार्य किया गया। साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो हम पाते हैं कि राजा सर्वोच्च न्यायदाता माना जाता था, लेकिन फिर भी उसने प्रधान न्यायाधीश अपॉइंट किए थे, जो आम तौर पर जनता में या अन्य मामलों में, सैनिक असैनिक मामलों में न्याय प्रदान करने का कार्य किया करते थे। शिवाजी के प्रशासन में कठोर दंड का विधान था, ताकि आपराधिक घटनाएं न हो सके। इसके अतिरिक्त जब हम शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि शिवाजी के प्रांत की दो श्रेणियां थी। एक श्रेणी को स्वराज्य कहा गया और दूसरी श्रेणी को मुगलई कहा गया। स्वराज्य यानी शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र कहा जाता था और इस क्षेत्र को उन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया था।
उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत में पूना से सूरत से लेकर पूना तक का क्षेत्र शामिल था और यहाँ के प्रशासक त्रिंबक पिंगले हुआ करते थे। दक्षिणी प्रांत में समुद्र तटीय क्षेत्र यानी कोंकण का क्षेत्र इनके अधीन था, जहां पर अन्नाजी दत्तो प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। और दक्षिण पूर्वी प्रांत में सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवार का क्षेत्र था, जहां दत्तोजी पंत शासन किया करते थे। मुगलई प्रांतों में मैसूर का उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग, मद्रास का वेल्लारी जिला, चित्तूर, अर्काट, दक्षिणी धारवार, बेदनौर के क्षेत्र थे, जहां पर शिवाजी का केवल अधिकार था और यहां से उन्होंने विशेष तौर पर सरदेश मुखी वसूलने का कार्य किया। शिवाजी के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हालांकि ग्राम थी, लेकिन वह परगना के अधीन थी, यानी केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, फिर परगना और फिर ग्राम। परगना का प्रमुख देशमुख हुआ करता था और परगना के अधीन अनेक ग्राम होते थे, इन ग्रामों का प्रमुख पटेल हुआ करता था। इस तरह शिवाजी ने एक प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा अपने समय में तैयार किया और इसी के अधीन उन्होंने सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक शासन किया। लेकिन शिवाजी के पश्चात इस व्यवस्था में हम कई खामियां या कई कमियां भी देखते हैं। बहरहाल शिवाजी का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी जनता को एक नजर से देखा, जनता में उन्होंने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि खफी खा जैसे इतिहासकार भी शिवाजी के धार्मिक सहिष्णुता की नीति की प्रशंसा करते हैं। सबसे प्रमुख बात जो शिवाजी के संदर्भ में कही जा सकती है वह यह थी कि उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का कार्य किया, उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का कार्य किया, जिसके लिए मराठे या मराठा इतिहास सदैव शिवाजी का ऋणी रहेगा। इसके अगले खंड में हम लोग चर्चा करेंगे कि शिवाजी के पश्चात किस तरह से मराठा साम्राज्य आगे संचालित हुआ। थैंक यू।